जी, आपका नाम? कृष्ण कुमार सिंह। आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? यहाँ हम लोग आए हैं, ये जो हमारा अभी फसल तैयार हो रही है गेहूं की, अब तक तो चल रहे थे तो किसी प्रकार से फिर से कलप जाती, अब इसके बाद अब बाली आ रही है, अब अगर जानवर खा लेंगे तो फिर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएगा। इस नाते हम चाह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से इस पर नियंत्रण किया जाए, अन्यथा स्थिति में हम अब सीधी कार्रवाई किसान करने के लिए मजबूर है। अब इसका उत्तरदायित्व तो शासन प्रशासन इन्हीं का होगा, भारतीय किसान संघ। सीधी कार्रवाई करने हमारी जो समझ में आएगा हम वो करेंगे, अब हम उसको बताएंगे नहीं, डिस्क्लोज नहीं करेंगे। भारतीय किसान संघ इस पर बिल्कुल आमादा है कि इस समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। अमेठी जनपद का भारतीय किसान संघ बिल्कुल ये चाहता है कि तत्काल नहीं होगा तो हमारी जो हमसे बन पड़ेगा, क्योंकि हमारी जब जीविका चली जाएगी तो हम जी करके क्या करेंगे, अब तो जीवन मरण का प्रश्न आ गया है हमारा। अगर गेहूँ खत्म हो गया तो फिर हम बेकार हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इस नाते हम चाहते हैं एसडीएम साहब से आज मिल करके, इनको 2-3 दिन का समय दे रहे हैं, चाहे जानवरों को पकड़वाएं चाहे उनको जो करे। हमारे सर, जो आपको ज्ञापन दिया गया किस लिए दिया गया? ये आवारा पशुओं पर इनकी रोकथाम के लिए और इनको एक जगह जो है स्थायी रूप से व्यवस्थित करने के लिए दिया गया। सर, जैसे डीएम सर का आदेश था कि 10 जनवरी तक हर पशुपालक को जिनके पशु आवारा घूम रहे हैं उनको नोटिस दिया जाए, इस बाबत में क्या कार्रवाई? इसमें नोटिस दी जा रही है, इसकी जियो टैगिंग भी की जा रही है पशुओं की, पशु विभाग द्वारा, और हम इसको यथाशीघ्र कल बैठक बुलाई हमने इमरजेंसी, इसके बाद